42, एक बार चेक करना, 42 नहीं मिली, चेक करना प्लीज। ये सिंगल शीट है 42 नंबर प्लस वन, कितने लोगों नहीं मिली हाथ खड़ा करना, काउंट कर लो। ठीक है ओके, तो जब तक ये शीट नंबर 42 मिलती है तो आप इसमें एक बार देखो, इस ये शीट की जो प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम बोलते हैं। या तो क्वेश्चन आता है Why is it easier to push या pull, या pull करना ज़्यादा easy है, मैंने करवाया था pull और push वाली problem, या वो आती है या ये आती है horse cart problem, ये भी करवाते हैं। तो शायद कोई स्कूल में जाता हो तो उन्होंने सुनी भी होगी horse cart problem discuss होती हुई, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो। horse cart problem क्या है कि घोड़ा cart को कब खींच पाएगा, बस ठीक। तो discuss करो इसे, तो कर लेते हैं discuss। तो सबसे पहली चीज, ये काट, काट का मास बड़ा एम, ध्यान आगे प्लीज, काट का मास बड़ा एम, रस्सी बंधी होगी, टेंशन टी पेयर में, हॉर्स, हॉर्स का वेट डब्ल्यू, नीचे नीचे, पर अगर वो घोड़ा ऐसे ही खड़ा रहेगा तो फिर काट को कैसे खींचेगा, और दोनों पैर थोड़ा रखेगा, अब पैर उसको वो हिलाए तो सही तभी आगे जाएगा, तो पैर हिलाने के लिए वो क्या करेगा, फोर्स जमीन पे पीछे लगाएगा, पैर उठा के जैसे हम चलते हैं पीछे, भागते हुए पीछे, ताकि उसको फ्रिक्शन मिले और वो आगे मूव कर सके। फ्रिक्शन हेल्प करती है ना सबको, चाहे घोड़े को चाहे इंसान को, आगे तभी बंदे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो इसमें वो फोर्स पीछे लगाएगा ताकि उसको रिएक्शन ऊपर ना मिले, ताकि रिएक्शन टेढ़ा मिले और ऐसे मिले। इससे क्या होगा, रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि रिएक्शन एक फोर्स है, वी और एच दोनों फोर्सेस हैं। तो अब
इसमें रिएक्शन, इसने टेडी फोर्स इसलिए लगाई थी क्योंकि अगर रिएक्शन सीधा मिल जाए ऊपर, वो वेट को बैलेंस कर देगा, तो इस हॉर्स को आगे की तरफ कोई फोर्स मिल नहीं पाएगी। ठीक, घोड़े को आगे चलाने के लिए आगे की फोर्स तो जनरेट करनी पड़ेगी। अब कोई इंजन तो लगा नहीं कि घोड़े को खींचेगा, घोड़ा कार्ट को खींचेगा, घोड़े ने खुद ही जनरेट करना है जो करना है। तो हॉर्स ने खुद कैसे जनरेट करना है, टेढ़ी फोर्स लगा के रिएक्शन का एक कंपोनेंट उसको इधर मिलेगा और एक ऊपर मिलेगा, और ये फोर्स होगी रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो घोड़े को आगे लेके जाएगी। मिल गई शीट सबको ये वाली? तो ये जो फोर्स होगी ये इस हॉर्स को आगे लेके जाएगी। ठीक है यहां तक? अगर वो टेढ़ी फोर्स ना लगाता तो रिएक्शन कहां मिलता, ऊपर, तो आगे की फोर्स ही नहीं जनरेट होती, तो उसको टेढ़ी फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी। तो फिर घोड़ा ऊपर तो नहीं उड़ता, थोड़ा जाता है, सीधा ही चलता है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है। तो क्यों? क्योंकि वर्टिकल फोर्स इज बैलेंसिंग वेट ऑफ द हॉर्स। वी और डब्ल्यू कैंसिल हो गए, तो वर्टिकल फोर्स तो कैंसिल, तो इसमें कौन सी फोर्स आगे की तरफ लेके जा रही है, एच। टेंशन टेंशन के पेयर इक्वेशन में कैंसिल हो जाते हैं, और इस काट में क्या होगी, फ्रिक्शन। एक लाइन में खत्म करना है तो ऐसे बोलेंगे कि क्योंकि वर्टिकल फोर्स से तो सारी कैंसिल हो गई, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है, एच। एच को एफ से बड़ा या इक्वल टू होना पड़ेगा ताकि हॉर्स कार्ट को खींच सके, क्योंकि कार्ट की क्या ओवरकम करनी है उसने, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ओवरकम कैसी होगी, अगर घोड़े की जो फोर्स है, हॉर्स की जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, वो किससे बड़ी हो जाए, एफ से। ठीक, पर आपने ऐसे लिखना नहीं है जैसे मैंने समझाया, ये कैंसल कैंसल कैंसल। तो आपको स्कूल में ऐसे लिखना है कि इनिशियली हॉर्स प्रेसेस द ग्राउंड विद अ फोर्स एफ इन एन इंक्लाइन डायरेक्शन, टेडी डायरेक्शन में। रिएक्शन आर एक्ट्स ऑन द हॉर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हॉर्स मूव फॉरवर्ड। अगर एच किससे बड़ा होगा, टी से, तो वो टेंशन, वो मैथमेटिकली डिस्कस करेगा इसे, तो एच अगर टी से बड़ा होगा तो घोड़ा आगे जाएगा, और मान लो वो क्या करता है, एक्सलरेट। तो पहली इक्वेशन हॉर्स की क्या बनेगी, एच माइनस टी इज मास इनटू एक्सलरेशन। तो इक्वेशन क्लियर है, एच माइनस टी से में फर्स्ट इक्वेशन। फिर कार्ट की इक्वेशन, कार्ट की इक्वेशन में टी माइनस एफ इज बड़ा एम इनटू ए, क्योंकि घोड़े का मास है छोटा एम और कार्ट का मास है बड़ा एम, तो टी माइनस एफ इज कैपिटल एम इनटू ए, टी माइनस एफ इज एम ए। क्लियर? दो इक्वेशंस बन गई, एक हॉर्स की और एक कार्ट की, आपने ऐसे बना के आनी है। फिर आपने इन दोनों को लिख के ऐड करना है, ऐड करेंगे टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसल। कैंसल करके एच माइनस एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम इनटू ए, ए की वैल्यू आ गई। ठीक, अब अगर आप चाहते हो सिस्टम एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव करने के लिए, ये तो पहली पॉजिटिव है, दिस टर्म शुड बी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव का मतलब दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एक ही बात है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि एच माइनस एफ इज ग्रेटर देन जीरो, तभी पॉजिटिव मानेगा, और अगर ऐसा है तो एच शुड बी ग्रेटर देन एफ। मैंने एक लाइन में खत्म कर तो दिया था, एच एफ से बड़ा होगा, पर आपने एक लाइन में नहीं करना, आपने ऐसे करना है, तो मैथमेटिकली करना है, तो स्कूल में करने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। वैसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, पॉइंट क्लियर है, ये सारी फोर्सेस, और ऐसे ही लिख के आना है। जब स्कूल का पेपर आता है, कईयों का लिखने का तरीका बहुत बेकार होता है, इतना बेकार होता है सही चीज भी टीचर को गलत लगती है। तो प्लीज जब पेपर आता है स्कूल का, तो उसको लिखने का एक स्टाइल है, और स्टाइल क्या रहेगा, आप प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स लिखेंगे और इस तरीके से ही लिखेंगे। ऐसे नहीं कि दो लाइन हो गई टी और टी कैंसल, और बाद में टीचर कहेगा नंबर काट दिया, आपको नंबर क्यों काटा, उसने ठीक नहीं लिखा, ऐसे कैसे। फिर ये भी नहीं बोलना आगे जाके कि ये क्या लिखा तो हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, जितने नंबर दे दिया ठीक है, प्यार से जो देता है ठीक है, क्योंकि और भी टेस्ट बाकी है। नंबर क्यूमुलेटिव है, प्लस वन के नंबर ऐसे नहीं लगते कि फाइनल में जो किया तो किया, सितंबर में जो किया, अक्टूबर में जो किया, दिसंबर में जो किया, और फिर जनवरी में जो किया, और फाइनल में जो किया, ऐड होते हैं, एवरेज है, वेटेज है इसकी। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, कई लोग फाइनल में पास होने के बावजूद भी बैक पीछे हो जाते हैं क्योंकि पीछे का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो प्लीज ध्यान से करना काम, ठीक। और कंपटीशन का तो चलो अभी टाइम है, वो तो हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे, इनके ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, वैसे मेरी वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, मैंने शुरू नहीं किया अभी आपके, अभी आप अभी लिखना तो सीख लो, पहले लिखना सिखाएंगे, फ्रिक्शन है वर्क पार के बाद, सितंबर के बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, तो कुछ प्रैक्टिस टेस्ट डाला करेंगे ऑनलाइन, फोर्स एंड फ्रिक्शन जितने भी चैप्टर चलेंगे, तो हर हफ्ते प्रैक्टिस टेस्ट हुआ करेंगे, उस पर आप देना उसे।
अभी नहीं, अभी थोड़ा अर्ली है, बट अभी टाइम के साथ ये भी स्टार्ट होने वाला है, राइट। और जो मेंस के लोग हैं उनका क्योंकि टेस्ट ऑनलाइन है, तो वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मेंस से पहले पीसीएम के टेस्ट यहाँ पर ऑनलाइन मैं लेके भेजता हूँ तीनों सब्जेक्ट्स के, तो फिजिक्स के तो होते ही होते हैं, तीन तीन घंटे के टेस्ट बने हुए हैं, तो उस पर आपको वो ट्राई करके जाने हैं ताकि 3 घंटे की एवेल्युएशन हो। तो अभी नहीं, अभी थोड़े अभी कच्चे हो, अभी तो सीख रहे हो चीज़ों को, पहले हाथ एकदम तेज चलाओ, फिर मैं आपको टेस्ट दूंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो, पहले प्रैक्टिस करवाएंगे फिर टेस्टिंग पे आएंगे, राइट। तब तक तो नीट वालों का भी ऑनलाइन हो जाएगा, वैसे तो इस साल नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर तो पक्का ही हो जाएगा, तो आपको भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रिक्शन, यहां पर क्लास में खत्म होता है, आपका नहीं खत्म होता, क्योंकि आपको शीट नंबर 20 और 21 एज अ प्रैक्टिस शीट मिलेगी, तो आप लोगों को वो ट्राई करना है उन प्रैक्टिस शीट के साथ, और उसके सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे अपलोड हो जाएंगे, जिसको रेफर करना है वो रेफर भी कर सकता है, और उसको जो डाउट होगा वो मुझसे पूछ भी सकता है। शीट नंबर 18 का